नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा के बाद अमित शाह एक्शन में आ गए हैं और दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस बवाल करने वाले घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब तक 23 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, तो वहीं ये जांच भी तेज कर दी गई है कि आखिर ये कौन लोग थे जो तमंचे, तलवारें और लेकर सड़कों पर उतर आए थे और अचानक गायब हो गए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी को हिंसा की आग में झोंकने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह बवाल करने वाले और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हो गए हैं और दिल्ली पुलिस को इन दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दे दिए हैं, जिससे अब तक 23 दंगाइयों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। वहीं पुलिस ने दंगे फैलाने, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। दंगाइयों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे और 5 तलवारों को भी बरामद किया है। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिंसा की NIA जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कोर्ट की निगरानी में कमेटी गठित कर जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच कराने की अपील की गई है, क्योंकि जिस इलाके में ये हिंसा हुई है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। छोटी छोटी गलियों में, संकरे मकानों में लाखों लोग रहते हैं। उत्तर पश्चिमी जिले में स्थित इस इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेश के मुस्लिम रहते हैं। ये इलाका आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, साथ ही नशे के लिए भी ये क्षेत्र काफी बदनाम रहा है। प्रमुख रूप से इलाके के सी ब्लॉक, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक में बांग्लादेश के मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसकी कभी जांच की बात नहीं की और ना ही यहां लोगों का सत्यापन कराया गया, जिससे दिन ब दिन इनकी संख्या के साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के बाद केजरीवाल जैसे नेताओं ने इन्हें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज दंगों के रूप में देखने को मिला। लेकिन अब मोदी सरकार इनको लेकर अलर्ट हो गई है। अमित शाह एक्शन ले रहे हैं और हो सकता है जल्द इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच शुरू की जाए, जिससे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले बेनकाब होंगे और इन्हें सह देने वाली पार्टियों की भी पोल खुल जाएगी। तो अब जहांगीरपुरी में फैली हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों की साजिश का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसकी अब तेजी से जांच भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस इलाके में हिंसा फैली है वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का ज्यादातर कब्जा रहा है और मुख्य आरोपी अंसार का भी बांग्लादेशी घुसपैठियों से कनेक्शन रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गिरफ्त में आए 23 दंगई पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।